Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. You guys know, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके लिए अच्छी अच्छी डील्स लेके आती हूँ, कुछ भी बजट में, अफोर्डेबल में, या जब सेल चल रही हो. सो मैंने काफ़ी कुछ शॉप किया है इन द ब्यूटी कैटेगरी ओनली. लिटरली आज मैंने अपना सारा मेकअप ब्यूटी में मुझे जो जो चाहिए था रीस्टॉक कर लिया. आई हैव बॉक्सेस फुल ऑफ प्रोडक्ट्स, सो आई थॉट आप सबके साथ ही बैठ के अनबॉक्सिंग करती हूँ. आई शॉप ऑल ऑफ दीज फ्रॉम शॉपसी, बिकॉज शॉपसी का ग्रैंड शॉपसी मेला स्टार्ट हो चुका है. जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये सेल लाइव जा चुकी है. सो ये सारी चीजें आपको और सस्ते मिल जाएगी. मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आर अंडर ₹199 और ₹299. और वैसे भी शॉपसी का जो ये मेला है, दिस इज भारत बिगेस्ट मेला, जिसमें आपको 10 लाख प्लस प्रोडक्ट्स मिलेंगे अंडर ₹199 ओनली. सुपर सुपर अफोर्डेबल. सो इसमें से अगर आपको कुछ भी पसंद आता है, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो. अब तो और सेल पे सस्ता आपको मिलेगा. सो या विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू. एंड आई एम सो सो एक्साइटेड. गो इन अ वेरी रैंडम ऑर्डर, बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं है किस बॉक्स में क्या प्रोडक्ट है. तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैंने खोला है वो है ये मार्स की आई शेडो. उसके मुझे शेड्स बहुत अच्छे लगे थे. दिस इज मार्स डांस ऑफ जॉय आई शेडो पैलेट. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. नाउ जब भी कोई वेडिंग या पार्टी का मेकअप करना होता है ना, मैं हमेशा पिंक टोन का मेकअप ज्यादा करती हूँ. आई डोंट नो, ये वॉर्मिश या फिर जो एक प्लम कलर होता है वो टोन मेरे पे अच्छा लगता है, और फिर वो सारे आउटफिट के साथ जाता है. और मेरे साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है, मेरा मैक्सिमम ट्रूजो पिंक कलर से भरा हुआ है. मेरे जितने भी इंडियन कपड़े हैं ना, किसी ना किसी में पिंक का वर्क या फिर एक हिंट है. सो मैंने अपने ये इंडियन आउटफिट्स के लिए मंगवाया, बिकॉज अब मेरी मैक्सिमम पुरानी आई शेडो एक्सपायर हो गई, और ये बहुत अच्छी डील पे मुझे मिला है शॉपसी से. शेड्स आर ब्यूटीफुल यार. इट हैज दीज वार्म टोन शेड्स एज वेल, इट हैज अ ब्राउन शेड एज वेल, जो क्रीज के लिए एकदम परफेक्ट है. शिमर शेड्स भी हैं, जो आप बिल्कुल प्रेस्ड ग्लिटर. ओ, इट हैज अ प्रेस्ड ग्लिटर. ओ माई गॉड, वाओ, लेट मी ट्राई इट. आई डेंट एक्सपेक्ट दिस यार. इसके अंदर प्रेस्ड ग्लिटर भी है, विच इज सो सो गुड. और इससे जो एक पॉपिंग लुक आती है ना, इससे आपका एक वेडिंग पार्टी मेकअप काफी अच्छा होता है. सो यार, सुपर एक्साइटेड. बाकी सब चीजें बॉक्सेस में आई है, ये चीज पैकेट में आई है. सो थोड़ा एक्साइटेड हूँ मैं इसको खोलने के लिए. स्टफ इज फ्रॉम रॉन्जिल कॉस्मेटिक्स. सो ये ब्रांड मुझे शॉपसी पे दिखी व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर ब्यूटी प्रोडक्ट्स. मुझे ये ब्रांड दिखी और इसके काफी अच्छे रिव्यूज थे. काफी लोगों ने नीचे अपना रिव्यू भी डाला हुआ था शेड्स का स्वाच. तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग ये प्रोडक्ट लगा. एंड आई वॉन्टेड समथिंग की जो ऑन द गो ट्रैवलिंग में भी काम आए. काफी बार होता है कि बैग में रख दिया, चलो ठीक है, कहीं जा रहे हो तब रेडी हो जाएंगे, ट्रैवल करना हो तब. तो मुझे ये चीज काफी हैंडी लगी. सो दिस इज बेसिकली 5-in-1 हाईलाइटर स्टिक. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एंड इसका जो पूरा लुक है ना, वो काफी सिमिलर है लाइक रेने कॉस्मेटिक्स, जैसे रेने की आती है ना. बट ये लिपस्टिक नहीं है, इट्स अ हाईलाइटर ब्लश सॉर्ट ऑफ स्टिक. अब ये पूरी सील्ड है. सो इसकी पैकेजिंग बिल्कुल वैसी है जो हम बचपन में पेंसिल यूज करते थे ना. आपको ऊपर का प्रोडक्ट अगर निकालना है और पीछे का लेके आना, तो नीचे से आपको पुश देना होगा. अब ये निकल गया. सो ये है हमारा हाईलाइटर नंबर 1. देन वी हैव हाईलाइटर नंबर 2, जो थोड़ा सा रोज गोल्ड टोन में है. ओके, आई थिंक आई कैन यूज इट एज आई शेडो, बिकॉज मैं काफी बार ना सूट्स एंड ऑल के साथ ऐसे डार्क डार्क कलर की आई शेडो लगा लेती हूँ. सो यू जस्ट स्वाइप अक्रॉस योर लिड्स एंड यू आर गुड टू गो. या दिस स्लाइटली लाइट, सी ये तो एकदम परफेक्ट वो ब्लशी ब्लशी वाला कलर है. अगर आपको कहीं पार्टी मेकअप करना है और आप ब्लश हाइलाइटर मिक्स करना चाहते हो, यू कैन यूज दिस शेड. ना बहुत ज्यादा स्मूथ भी नहीं है, कुछ कुछ शेड्स बहुत स्मूथ है. लाइक ये जो डार्क वाला शेड है, ब्लश वाला जो शेड है, ये बहुत स्मूथ ग्लाइड कर रहे हैं. लेकिन एक दो शेड मुझे थोड़े से रफ लगे. बट द गुड पार्ट इज इट इज नॉट ऑल चंकी. किसी में भी चंकी ग्लिटर नहीं है, इट इज वेरी स्मूथ. लाइक जो ब्लश स्टिक्स आती है ना, बिल्कुल वैसी है. पैकेजिंग करिए. नाइस. सो दिस इज बेसिकली अ सेट ऑफ 4 ब्यूटी ब्लेंडर्स. लेकिन ये अपने ऐसे होल्डर में आता है, विच इज गुड. लाइक अगर काफी बार होता है मेरा ब्लेंडर ऐसी ड्रेसिंग टेबल में रखे रहते हैं, बाहर रखे रहते हैं, फिर डस्ट कैच होती है, फिर उसको फेस पर यूज करो तो एक्ने हो जाता है. तो मुझे ब्लेंडर के लिए कुछ ऐसा चाहिए भी था कि मैं उसको नीटली एकदम ऐसे रख पाऊँ. सो ये सेट ऑफ 4 ब्लेंडर्स हैं. काफी सॉफ्ट लग रहे हैं या वो तो बाद में पता चलेगा कि पानी कितना एब्जॉर्ब करने के बाद ये शेप चेंज करते हैं. सो हमारे पास 2 डिफरेंट शेप हैं. एक तो ये वाला शेप है, जिससे आप कटिंग कॉन्टोरिंग काफी अच्छी कर सकते हो. मुझे ये ज्यादा बेटर लगते हैं मुझे, बिकॉज आई फील लाइक इससे डैबिंग ज्यादा अच्छी होती है. मेरे मैक्सिमम ब्लेंडर ये नीचे से कट आउट वाले होते हैं. आई फील दीज आर मच मोर प्रैक्टिकल. देन वी हैव अ स्लांट ब्लेंडर एज वेल, इसका थोड़ा स्लांट ज्यादा है. देन वी हैव अनदर वन. एंड एक जो ब्लेंडर है, दैट इज अ प्रॉपर, जो ओल्ड स्टाइल ब्यूटी ब्लेंडर आते हैं ना, ऐसे वाले टीयर ड्रॉप वाले, वो वाला ब्लेंडर है. इट्स नाइस, लाइक इट्स प्रिटी. आप इसमें यूज करो, अपना कोई पुराना ब्लेंडर भी डालना हो. एंड द बेस्ट पार्ट इज यू कैन
लॉक एज वेल, बहुत अच्छा इसका लॉक है। फेवरेट कामसी के रेजर, ये मैंने रिस्टॉक कर लिया, मेरे बिल्कुल खत्म हो गए थे सारे रेजर्स। दिस इज कामसी फेशियल रेजर फॉर वुमेन, इंस्टेंट एंड पेनलेस हेयर रिमूवल, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हेयर रिमूवल टूल, बिकॉज इससे इतना नीटली फेशियल आप हेयर रिमूव कर सकते हो ना। लेकिन अगर आप लाइक बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत शार्प है, बिकॉज कामसी का रेजर काफ़ी शार्प है। अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको यूज़ करने के लिए। मैंने इनके साथ स्टार्टिंग में कोलैबोरेट भी किया था, आई हैव अ होल वीडियो ऑन हाउ टू शेव ऑन योर फेस, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इट इज़ जस्ट परफेक्ट टू रिमूव ऑल द हेयर फ्रॉम योर स्किन, बेसिकली साइड के रिमूव करने हो, अपर लिप्स एंड ऑल, लाइक द रेजर इज क्वाइट शार्प एंड गुड क्वालिटी। सो वी हैव सेट ऑफ थ्री हेयर, कामसी के मिनी वाले भी आते हैं। अगर आपको लाइक ये वाले हेयर हटाने में, अपर लिप्स के हेयर हटाने में प्रॉब्लम होती है, तो कामसी का एक मिनी वाला भी आता है जिसमें स्पेसिफिकली आपको एक छोटा सा रेजर मिलता है, वो भी ले सकते हो। बट मैंने ये नॉर्मल सेट ऑफ थ्री में मंगवाया, ये भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा था, उसमें ले लिया। वी हैव लिपस्टिक्स, ओ हाँ, ये मैंने सेट ऑफ सिक्स लिपस्टिक्स ऑर्डर करी, पर ये अलग अलग क्यों आई है। दिस इज मैट मिनी लिक्विड लिपस्टिक रेड एडिशन, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, एंड इट हैज लॉट ऑफ शेड्स इन इट, हैज सम नाइस लाउड एंड चटैक शेड्स, जो ज़्यादातर मैं लगाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे इसकी डील काफ़ी अच्छी लग रही थी तो मैंने ले ली। इट्स एंड देन वी हैव अ न्यूड एडिशन एज वेल, विच लुक्स प्रिटी, आई लव द पैकेजिंग, कितनी सुंदर इसकी पैकेजिंग है। सो दिस इज द न्यूड एडिशन, जिसके अंदर सारे न्यूड शेड्स हैं। ओ दिस इज नाइस, दिस वन आई कैन डेफिनेटली यूज, लाइक लुक एट द शेड्स, ये एकदम परफेक्ट न्यूड वाले शेड है जो मैं खुद लगाना प्रेफर करती हूँ। द शेड इज प्रिटी नाइस, लुक्स नाइस। दिस वन इज डार्क, ओके। वैसे जो इमेज बनी हुई थी ना, उसमें एक सिंगल लिपस्टिक सी सारी ऐसे बनी हुई थी, आई डोंट नो इन्होंने अलग अलग दिए हैं फिर कैसे दिए हैं, बट ये सारी ऐसे अलग अलग आई हैं। बट ओवरऑल आई लव द न्यूड वन, अगर आपको अपने लिए भी न्यूड लिपस्टिक्स लेनी है तो ये पैक मुझे स्पेसिफिकली काफ़ी अच्छा लगा, यू कैन डेफिनेटली बाय ब्रशेस, बिकॉज लेंथ के हिसाब से मुझे ये वाला बॉक्स लग रहा है। और मुझे सबसे पहले वो ब्रशेस चेक करने हैं कि इतने सस्ते में इतने सारे ब्रशेस मिल सकते हैं, मैं खुद शॉक थी। या दिस इज द ब्रश का पैकेज, ओके। सो ये बेसिकली सबसे सस्ते ब्रश थे जिसपे सबसे ज़्यादा रिव्यूज थे। दिस हैज़ अ वेरी बेसिक लेदर का जो पाउच जैसा होता है। एक्चुअल में इसमें इतने सारे ब्रशेज हैं, ओ माई गॉड, लाइक लुक एट दिस, आई कांट इवन काउंट इसमें कितने सारे ब्रशेज हैं, बट इतने सस्ते में इन्होंने इतने सारे ब्रशेज दे कैसे दिए, लेट मी जस्ट चेक द क्वालिटी यार। मैंने ये ब्रश का पूरा सेट लिया था, 234 का भी है, 209 रुपये का मिल रहा है और डिस्काउंट हो गया, बट डेफिनेटली जो इमेज में दिखाया था उससे थोड़ा सा अलग आया है। जो ये लास्ट वाला ब्रश है वो तो सिमिलर ही है, लेकिन दो तीन जो फेस के ब्रशेज थे वो इसमें नहीं है, ऐसे कोई उसमें ब्रशेज नहीं है। इसमें मेजरली जितने भी हैं आई शेडो के ही ब्रशेज हैं, जो दो इन्होंने फेस के यहाँ पे दिखाए थे ना वो बिल्कुल अलग है। ये तो थोड़ा सा कॉन हो गया मेरे साथ, लाइक लुक एट दिस, ये क्या है, मतलब ये ना ब्रश है, ये क्या चीज़ है, इसकी तो मुझे शेप ही समझ नहीं आई। ये कुछ ऐसा काटा हुआ है, कुछ अजीब सा, और ऐसे डॉट 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 बने हुए हैं, तो कुछ स्टैंपिंग वाला टूल लग रहा है, लेकिन ब्रश तो ये कहीं से नहीं लग रहा। बस 200 रुपये में इतने सारे ब्रशेस मिल रहे हैं, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। आधों से तो मैं पेंटिंग करने वाली हूँ, पेंटिंग ब्रश की तरह ज़्यादा यूज़ होंगे, ये मुझे समझ नहीं आया क्या ब्रश है। सो ये दो ऐसे एप्लीकेटर वाले ब्रश हैं, पहले एक शेप तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, दिस वन इज़ क्लियर फेल, लेकिन ठीक है 200 रुपये में मिल रहा तो मुझे इतना ज़्यादा दुख नहीं है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी, यहाँ पे ग्लू ग्लू जैसा लगा हुआ है, लेकिन ये फैन ब्रश मुझे बहुत अच्छा लगा, इट्स सॉफ्ट, इट्स गुड क्वालिटी। सो पूरे 200 रुपये में से जो पैसे वसूल हुए हैं ना, वो इस फैन ब्रश के हुए हैं। अगर आप पेंटर हो या फिर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट करना पसंद है तो ये ब्रश सेट आप ले सकते हो, बिकॉज ये पेंटिंग के अलावा कुछ काम नहीं आने वाले। द ओनली गुड थिंग इन द होल ब्रश सेट इज दिस ब्रश, अदरवाइज इट्स अ क्लियर फेल। शॉपसी पे फेसेस कैनेडा की पे फेसेस कैनेडा के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी डील पे अवेलेबल है, तो अगर आप फेसेस कैनेडा के प्रोडक्ट्स यूज करते हो आप शॉपसी चेकआउट कर सकते हो, बहुत अच्छी डील्स उन पे अभी चल रही है। एंड ओ माई गॉड द वेट इज सो गुड, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कॉम्पैक्ट है यार। दिस इज फेसेस कैनेडा वेटलेस स्टे मैट कॉम्पैक्ट, and once you open it, we have a full size mirror with a product, and we have a separate applicator as well. The shade, by the way, in this one is sand 04. मुझे shade इसमें समझ नहीं आ रहा, सबके बड़े अजीब से shade थे, तो इसका जो shade है वो है sand 04, and I think it's gonna match me. ये थोड़ा चल जाएगा, मैच हो ही जाएगा। ब्यूटी लिक्विड कंसीलर, लेकिन इस बार मैंने शेड मंगवाया है कलर करेक्टर वाला शेड, विच इज ऑरेंज। ये देखिए शॉपसी पे ना एक ग्रैबडेड, मुझे वैसे भी एक ऑरेंज करेक्टर चाहिए था, जब फुल कवरेज मेकअप करो ना तो एक अच्छा ऑरेंज करेक्टर चाहिए होता है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, एंड लेट मी जस्ट वॉच इट फॉर यू गाइज। सो ये है कुछ इस तरह से,
ऑरेंजिश कलर का, इससे आप अपनी डार्कनेस, एक्ने मार्क्स या कुछ भी इजिली कंसील कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज को अगर आप थोड़ा सा फाउंडेशन में मिक्स करके ऐसे ऐसे करके लगाओगे ना, तो एज अ ब्लश भी ये चल जाता है, बिकॉज ये वाला काफ़ी अच्छा एक वार्म अंडरटोन देता है। सो ऐसे वाले कंसीलर्स का आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो, एज अ कंसीलर और एज अ ब्लश। आई एम लविंग दिस अनबॉक्सिंग। लेट मी नो अगर आपको ऐसे और रिव्यूज़ देखने हैं, फिर नहीं देखने। ओ ये क्या है? ओ या, आई ऑर्डर दिस बॉडी वाला ब्रश। आधी चीज़ों में खुद ऑर्डर करके भूल गई हूँ। बहुत टाइम से कुछ ऐसा प्रोडक्ट देख रही थी जिससे मैं अपनी बॉडी पे फाउंडेशन या फिर कुछ भी लाइक सनस्क्रीन या फिर शिमर कुछ लिक्विड में अप्लाई करना होता है वो अप्लाई कर पाऊँ। सो मुझे ये दिखा फाउंडेशन एप्लीकेटर, इसका नाम भी यही है फाउंडेशन एप्लीकेटर, एंड द एरिया इज क्वाइट गुड। हमारे जो रेगुलर फेस ब्रशेज होते हैं ना उससे ये बड़ा है, यू कैन सी फ्रॉम द साइज एज वेल। बट इट्स नाइस कि इसके साथ अपना होल्डर है तो ये हाइजीनिकली रखा भी रहेगा। अगर आप वैसे भी लाइक बैक पे कभी लगवाना होता है ना, आप कभी साड़ी या सूट लहंगा पहनते हो, थोड़ा बैक पे शिमर लगवानी हो, थोड़ा फाउंडेशन अप्लाई करना हो, या मैं ज्यादा जब ड्रेसेस पहनती हूँ मैं थोड़ा सा नीज और लेग्स पे कुछ अप्लाई करती हूँ, सो दैट एक इवन टोन लुक आए। दिस इज द होल्डर, वी हैव टू बटन्स ओवर हियर एंड यू कैन हाइजीनिकली कैरी इट ऑल्सो। सो या दिस इज गुड, यू कैन यूज ऑन योर फेस एज वेल। ऐसा नहीं है कि ये फेस के लिए नहीं है, इन्होंने इसका नाम फाउंडेशन ब्रश ही रखा है, बट आई थिंक फेस के लिए इतना बड़ा ब्रश थोड़ा पेंटिंग वाली चीज हो जाएगी। बट फॉर बॉडी जस्ट हर्ब्स ये डायरेक्टली आई थिंक फ्रॉम ब्रांड ही आया है। दो मैंने शॉपसी से ऑर्डर किया है। मुझे चाहिए था पिंक कलर का लाइनर, बिकॉज मेरा पुराना माइग्लैम वाला पिंक लाइनर पूरा एक्सपायर हो गया था और काफी पुराना भी हो गया था। सो मैंने एक पिंक लाइनर ऑर्डर किया है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। काफी अच्छा बबल गम पिंक सॉर्ट ऑफ इसका कलर है एंड आई लव पिंक लाइनर्स। काफी बार जब मैं कुछ कोकी या फंकी कुछ पहनती हूँ ना, तो मेरा मन करता है पिंक कलर का लाइनर मैं लगाऊं। द टिप इज ऑल्सो गुड। ओह नाइस, इट इज़ मोर लाइक अ पेस्टल कलर जो होता है ना, बिल्कुल वैसा वाला लाइनर है। वेरी वेरी नाइस, एकदम जेंजी वाली वाइब है इसकी। पिंक लाइनर की एक खास बात है कि काफ़ी सटल आपका मेकअप लुक लगता है, बिकॉज अगर कोई दूर से देखेगा कैन यू सी, आपको पिंक लाइनर दिखेगा भी नहीं, लेकिन अगर कोई पास आके देखेगा ना फिर उसको दिखेगा कि हाँ पिंक कलर का लाइनर लगाया हुआ है। सो या सुपर एक्साइटेड ट्राई फ्रॉम फेसेस कैनेडा। आई टोल्ड यू शॉपसी पे फेसेस कैनेडा की बहुत अच्छी डील्स चल रही है, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। ये है फेसेस कैनेडा का हाई कवर कंसीलर, इसके अंदर शीयर बटर, विटामिन ई एंड आई एम इन द shade, what shade did I order? This is Toffee Love. तो मैंने हल्का सा एक डार्क कंसीलर ऑर्डर किया था। ये काफी बार जब ऑरेंज कलर करेक्टर नहीं करने यूज करना होता, बिकॉज ऑरेंज कलर करेक्टर इज फॉर फुल कवरेज मेकअप, लाइक जिस ना प्रॉपर पार्टी वेडिंग का मेकअप कर रहे हो, पहले आपने ऑरेंज करेक्टर लगाया, फिर उसके फाउंडेशन लगाया, उसको अच्छे से कंसील करना पड़ता है। बट एक डार्क शेड का कंसीलर अगर आप थोड़े बहुत अपने एक्ने मार्क्स पे यूज करके फिर उसके ऊपर फाउंडेशन लगा लोगे ना, एक बहुत अच्छा नेचुरल बेस निकल के आता है। इसके अंदर आप एक येलोनेस देख रहे हो, सो ये जो येलो कलर बेसिकली होता है ना टिंट, इससे आपका बहुत अच्छा कलर करेक्शन होती है। इससे आप अपने डार्क सर्कल्स, एक्ने मार्क्स बहुत अच्छे से कंसील कर सकते हो। सो या आई होप ये अच्छे से वर्क करे। जब मैं इसको यूज़ करूँगी मैं डेफिनेटली आपको एक कशी क्विक रिव्यू दूंगी। ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का रिव्यू ना मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर करती हूँ, सो प्लीज़ फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम आई डी इज kashika.chauhan। वहाँ जाओ, मुझे फॉलो करो, बिकॉज ये सारे रिव्यूज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अदरवाइज मैं अपने मंथली फेवरेट्स एंड नॉर्मल फीचर तो कर ही देती हूँ, लेकिन जो छोटे मोटे रिव्यूज़ होते हैं वो आपको इंस्टाग्राम पर ही मिलेंगे। और आजकल तो मैं काफ़ी एक्टिवली रील्स भी अपलोड कर रही हूँ, सो प्लीज मेक श्योर यू आर फॉलोइंग मी देयर। नेक्स्ट अप इज अ सेट ऑफ 3 लिप लाइनर्स। मेरे सारे लिप लाइनर्स पुराने हो गए थे। शॉपसी पर ना स्विस ब्यूटी के 3-3 के सेट के लिप लाइनर मिल रहे हैं। अगर आपको पूरा सेट नहीं लेना, आप खाली 3-3 वाले भी ले सकते हो। तो मैंने सेट ऑफ 3 ऑर्डर किया जो मुझे एकदम परफेक्ट लगा, बिकॉज इसमें बिल्कुल वही शेड है जो मुझे चाहिए थे। लाइक वी हैव अ वेरी प्रिटी न्यूडिश ब्राउन शेड, एक हल्का सा और वार्म ब्राउन शेड है, और एक बहुत प्यारा ऐसे रेडिश शेड है। दिस चॉको न्यूड एंड दिस इज द परफेक्ट शेड जिससे मैं अपने लिप लाइन कर सकती हूँ, बिकॉज मुझे हल्का सा नाइस, दिस इज क्वाइट शार्प। इज मरून 02, एकदम रेडिश वाइब है इसकी, रॉयल रेड विच इज आई थिंक टिपिकल जो रेड कलर होता है। दिस इज लाइक द टिपिकल रेड काइंड ऑफ कलर जो आप ब्राइडल मेकअप पे कर सकते हो। इतना सारा मेकअप लिया है तो इसको स्टोर करने के लिए भी तो कुछ लेना ही पड़ेगा। तो ये बेसिकली नॉर्मल जो हमारे पाउच हैं सेंटर से खुलते हैं, लेकिन ये जो पाउच है एक साइड से खुलता है। सो जो आप इसको पूरा ओपन कर दोगे ना, ये ऐसे बिल्कुल ऐसे मैट की तरह पूरा खुल जाता है। सो इसकी जो शेप है कुछ इस तरह से है। थोड़ा सा मुझे फ्लिम्सी लग रहा है अभी, बिकॉज ऑब्वियसली खाली है। जब उसके अंदर मैं सामान डालूंगी तो काफी अच्छी शेप ले लेगा। कलर इसका बहुत प्यारा है नो डाउट। ऊपर हैंडल भी है विच इज गुड। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। और आप जिप देख रहे हो, वो ऐसे डायगनली जा रही है। आपने कोई भी ड्रेसिंग टेबल पे रखा हुआ है, ये पूरा ऐसे खुल जाएगा। सो आप इसको पूरा ऐसे का ऐसा टेबल पे रख सकते हो, आपको एक एक चीज विजिबल होगी, इधर क्या रखा है, इधर क्या रखा है। वी हैव पॉकेट्स एज वेल, तो इधर आप अपने ब्लेंडर, स्पंजेस या फिर ब्रशेज अलग से रख सकते हो। इस साइड भी पॉकेट है और इस साइड की पॉकेट में इन्होंने पार्टीशन भी दिया हुआ है, तो आपने कॉटन पैड्स, ईयरबड्स कुछ भी डाल सकते हो।
और सेंटर में भी जिप है, वाओ दैट्स नाइस। सो सेंटर में जो पार्टीशन है उसमें भी इन्होंने जिप दी हुई है, सो उसमें भी आपने ब्रशेज एंड ऑल डाल सकते हो। सो इसकी सबसे बेस्ट बात ये है, नॉर्मल जो पाउचेस होते हैं ना वो खाली आप ऐसे ढूंढ सकते हो, सेंटर से एक जिप खुलती है आपको फिर ढूंढना पड़ता है अंदर, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है, प्रॉपर ऐसे लाई डाउन हो जाता है एंड देन यू हैव लाइक गुड स्पेस। मुझे बहुत अच्छी डील पे मिला है शॉपसी से, सो मैंने इंस्टेंटली ग्रैब कर लिया। अगर कहीं छोटी मोटी ट्रिप पे जाना हो ना, इट्स एक्चुअली गुड, लाइक जिप इज ऑल्सो वेरी क्यूट, बहुत प्यारी इसकी ऐसे गोल्डन डिटेलिंग वाली जिप है, ऊपर हैंडल काफी अच्छा दिया हुआ है। सो यार ट्रैवलिंग के लिए तो मुझे काफी अच्छा लगा, फॉर द प्राइस पॉइंट आई थिंक इट्स प्रीटी। माय शॉपसी हॉल इज ओवर। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको और भी कैटेगरीज में कुछ देखना है जो मैं पिक करूँ या फिर आपके लिए रिव्यू करूँ, प्लीज मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इन सब के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ग्रैंड शॉपसी मेला लाइव है, अभी चल रहा है, 1 से 8 सितंबर तक ये सेल चलेगी, सो मेक श्योर गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। आप जो भी अपना ब्यूटी मेकअप स्किन केयर में स्टॉकअप करना चाहते हो आप डेफिनेटली स्टॉकअप कर सकते हो। इसके अलावा यू कैन वॉच माई अदर शॉपसी हॉल एज वेल, आप सिंपली यूट्यूब पर जाकर सर्च करो कशिका शॉपसी, आपको वो सारी वीडियोज देखने को मिल जाएंगी। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अगर नए आयो, प्लीज टेक अ मोमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।